हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और वेलकम करते हैं नूर बानो के चैनल पे आपका सबका, और जो भी मुझे देखते हैं बाहर से पाकिस्तान में, अल्लाह उन्हें सबको अपने हिफ्ज़मान में रखे, आमीन। और जो नहीं देखते उन्हें भी रखे। तो जैसा कि ईद के दिन चल रहे हैं और ईद की सफाइयाँ हो रही हैं और बहुत बुरा हाल है, लाइट आ रही है और जा रही है। कल मशीन धो ली थी तो आज ईद की सफाइयाँ कर रहे हैं, लेकिन जब बनेगा घर बनेगा उतनी देर तक तो जितनी है सफाइयाँ करनी चाहिए ना, तो सफाइयाँ कर रही हैं। और ये जनाब जी लगे हुए हैं मामा का सामान तोड़ने के लिए। ये देखिए, पहले इसने टीवी तोड़ दिया था, तो उस दिन जैन ने एलसीडी को ये शू नीचे ऐसे पकड़ा और एलसीडी नीचे गिर गई। जो एलसीडी के आगे शीशा लगा होता है ना, वो टूट गया। तो फिलहाल चलती है लेकिन इतनी ख़ास नहीं चलती, तो मैं लगी हुई सफाइयाँ करने। तो मैंने कहा चलो फ्रेंड्स के साथ शेयर करती हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूला करें, और जो भी मेरे चैनल पे उन्होंने सब्सक्राइब की वीडियो को पूरी देखा करें, मिस ना किया करें। और गर्मी बहुत ज़्यादा आ रही है, देखें पसीने, क्योंकि पंखा इस वजह से नहीं चलाया, आवाज़ नहीं आएगी। और फिर आपने कहना है कि बोले जा रही है और आवाज़ तो आ नहीं रही, तो इस वजह से मैंने पंखा बंद किया है, वो भी आपके लिए। वीडियो को आपने पूरी देखना है, मिस नहीं करना। तो चलते हैं सफाई की तरफ, मैं आपको दिखाती हूँ जी। ये मैंने ऊपर ये सारी सफाइयाँ वगैरह कर ली है, साफ़ वगैरह कर ली है। इसके ऊपर मैं पर्दा डालने लगी हूँ, और उधर भी ये ट्रंक वगैरह इतने भारी हैं, कुछ बच्चों के कपड़े वगैरह, कुछ बिस्तरे वगैरह ऐसे पड़े हुए हैं इसमें, और कुछ मेरी शादी का लहंगा वगैरह, एक मेरी शादी का लहंगा है वो भी मैं किसी दिन आपके साथ शेयर करूँगी। और ये ऊपर रखने यहाँ उठा के, तो ये देखिए मैं सफाई कर रही हूँ। ये देखिए इसकी हालत, देखिए ये क्या कर रहा है। हाय बोलो, हाय तो बोलो, हाय बोलो, जा कह रहा जा, कहाँ जाऊँ। और बाहर भी देखें क्या हालत हुई है, ये देखिए। तो अभी मैंने फ्रिज भी धोनी है, मैंने कहा कमरे की सफाई कर लूँ तो फिर फ्रिज धोएंगे। ये देखें फ्रिज तो फिलहाल साफ ही है, लेकिन मैंने इसे आज धोना है सर्फ के साथ। ये देखिए आज मैंने इसे धोना सर्फ के साथ, तो आपके साथ शेयर करते हैं। देखिए इसके काम, देखिए इसने मेरे लिए काम बढ़ाना है, सान निकालना। ये देख लें जी, ये कमरे की हालत हो गई है, मैंने सफाई कर ली। ये देखिए आपने कमेंट करके लाजमी बताना है कि किस तरह की सफाई की है, क्योंकि अभी दूसरा कमरा तैयार नहीं ना हुआ, तो वैसे ही नीचे प्लस्तर वगैरह और मिट्टी फर्श वगैरह डालने वाले हैं, तो इस वजह से ऐसी सेटिंग हुई। आपको पता है कमरे में इतना सामान तो आता नहीं है, तो ये बच्चों के कपड़े हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है, ये बच्चों के कपड़े हैं, क्योंकि मशाला चार बच्चे हैं तो उनके कपड़े ऐसे बांध के रखती हूँ ना, क्योंकि सेफ ना होने की वजह से ऐसे रखती हूँ। और ये मशीन लगाई थी ना कल, मैंने कहा सारी साफ़ सफाई करके ना, तो इसे तय लगा के यूनिफॉर्म वगैरह इस्त्री करके रख दूँगी, तो दूसरे में तय लगा के रख दूँगी। और ये देखें सारी मैंने साफ़ सफाई की हुई है, ये देखें। और आपने कमेंट करके लाजमी बताना है कि ये कमरे की सफाई कैसी हुई, आपको अच्छी लगी कि नहीं लगी। ये देखें जी, और पंखा मैंने खुद ही स्लो किया है, क्योंकि आवाज़ भी आ जाएगी और फर्श भी नीचे से सूख जाएगा, क्योंकि वेपर ना होने की वजह से ना, तो फर्श जल्दी खुश्क नहीं होता। तो ये तसले भर भर के ना मैं फर्श धोऊँगी, और फिश बस अभी धोने वाली है। और हम बाहर खेल रहे हैं अपने दोस्त के साथ, तो मैं बस लगी हुई हूँ। तो ये देखें ये फ्रिज भी मैंने धो ली है, मानो लोग स्कूल से आ गए हैं, तो मैंने कहा मानो मेरी हेल्प कराओ। ये देखें जी फ्रिज मैंने साफ़ कर ली है, बस मैंने कहा बाद में ना इसे खुश करके ना, जो दवाइयाँ वगैरह सिरप होते हैं रहम के, वो पड़े हैं यहाँ, तो वो रख लूँगी। और ये देखिए मानो लोग आ गई, मुझे पानी भर भर के दे रही है, ये देखिए। और मैं धोती हूँ तो मानो आपको दिखाती है। सीढ़ियाँ धो रही हूँ, धूप देखने कितनी ज़्यादा है, ये देखिए धूप। और फर्श धो रही हूँ,
काफ़ी टाइम हो चुका है ये सीर वगैरह बन के। ये देखिए फ्रेंड, बाहर से भी मैंने धो लिया, ये देखिए ये गले भी इतनी धो ली है मैंने। ये देखिए अभी इनके जूते धो के रखे हैं और बाहर जाने की तैयारी है इनकी, देखिए ये देखिए अभी इन्होंने गंदे करके फिर लेके आ जाने। और वो हमारा कमरा बहुत हमें याद आ रहा है, हमें वो कमरा अपना बहुत याद आएगा क्योंकि हर ईद उस कमरे में हम सेलिब्रेट करते हैं जो भी है, तो वहाँ हम रहते थे। लेकिन ये ईद ज़िंदगी की पहली है कि उस कमरे में हमारी ईद नहीं होगी, ऊपर वाले कमरे में हमारी ईद होगी। तो ये बल्ब यहाँ लगा हुआ था वो फ्यूज़ हो गया और अंदर का जल रहा है। तो ये देखें अभी वहाँ कच्चा भी होने वाला है, दीवारें फटी हुई हैं, वो देखें दरारें आ गई हैं और दरवाज़ा भी लगने वाला है, चिंगाठ भी। और ये देखें बहुत हमें मिस करेंगे अपने कमरे को। और ये देखें क्या हालत हो गई है, ये नीचे मिट्टी है ना, तो यहाँ कोई भी नहीं आता क्योंकि यहाँ ना जो मिट्टी पाँव लगती है ना तो यहाँ आ जाती है, इधर आ जाती है ना, तो इस वजह से वहाँ कोई नहीं बचा जाता। तो ये मैं सारी साफ सफाई कर ली है, बस अभी ऊपर जाने लगे हैं। हाँ
फ्रेंड सारा काम कंप्लीट हो गया और ये पीढ़ियाँ वगैरह भी धो ली हैं, फर्श वगैरह भी धो रही है, सभी मानो उधर में बैठ के धो रही है और ये चटाई धो ली है क्योंकि खाना वगैरह खाते हैं ना इस पर, तो इस वजह से है। देखिए ये कल धोए थे तो आज सूख चुके हैं, ये नीचे लेके जल्दी जा रही है। तो साथ ही फ्रेंड मैंने इन्हें पानी भी डाल दिया, ये देखिए क्योंकि काफ़ी गर्मी है ना तो हवा भी चल रही है लेकिन इतनी खास नहीं, तो मैंने इसे साथ ही पानी डाल लिया।